शाह जहां सदाए रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीनो सामईन किराम। नाइन न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद लुकमान रज़ा। नाज़रीनो सामईन, रमज़ान मुबारक के बाबरकत लम्हात में यह स्पेशल ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, जिसमें रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलतों, रहमतों और बरकतों के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और इसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में जिन हस्तियों के विसाल या विलादत या शहादत के दिन हैं, उन हस्तियों के तस्कारे पाक भी हो रहे हैं। आज सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके तस्कारे पाक होंगे। इस हवाले से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामिक स्कॉलर जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफीकुर रहमान हसन साहिब, और इनके साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदह सराई के लिए और सय्यदा पाक की बारगाह में मनकबत पेश करने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं हमारे मेहमान सना खान जनाब मोहम्मद नोमान चिश्ती गोलडवी साहिब। मैं आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़िम सामीन, सय्यदा पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों में से सबसे छोटी लाडली प्यारी शहज़ादी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ास तौर पर इनसे भी बड़ी मोहब्बत शफ़क़त का इजहार फरमाया करते, और इन हस्तियों की बाहमी जो मोहब्बत है ये मिसाली बाप और मिसाली बेटी आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमा है, मशाले राह है। इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। ये वो हस्तियाँ हैं जो कायनात की अजीम हस्तियाँ हैं, कुरान और हदीस में इन हस्तियों के तस्कारे पाक मौजूद हैं, सीरत की तारीख़ की कुतुब में मौजूद हैं। तबका उलमा और फुकाहा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन हत्ता के सीरत निगारों ने इन हस्तियों की सीरत पर तवील कलाम किया है। हम भी इन हस्तियों की बारगाह में आज इजहार अकीदत और अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करेंगे। सबसे पहले जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफीकुर रहमान हसन साहिब, आहले बैत अतहार अली मुरिदवान सय्यदा पाक जिसमें शामिल हैं इस खानवादे में, इनकी अजमत और शान कुरान और सुन्नत के हवाले से इस पर कलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुफ्ती साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात का लाख लाख शुक्र है कि हम निकम्मों से अपने प्यारे हबीब और उनकी आल औलाद का जिक्र करने की हमें तौफीक अता फरमाया। रमज़ान अल मुबारक की मुकद्दस घड़ियां हैं और इस मुकद्दस महीने में मुकद्दस हस्तियों का जिक्र खैर करना ये किसी सादा से कम नहीं है। अहले बैत अतहार का जिक्र कुरान मजीद में मुतअद्दद बार आया है और दो मकामात जो है वो बड़े मशहूर और मरूफ हैं। पहला मकाम तो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा, के बेशक अल्लाह तो यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे हर तरह की नापाकी को दूर करके तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसका माना ये नहीं हरगज़ लिया जाएगा, चूँकि कुरान मजीद को समझने के लिए अक्ल और फहम की भी ज़रूरत होती है। कुरान पाक को पढ़ कर बहुत से गुमराह हो जाते हैं और बहुत से हदायत याफ्ता हो जाते हैं, इसका गवाह भी अल्लाह का कुरान है। तो कहीं किसी की सोच इस तरफ ना जाए कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, पहले वो नापाक थे तो फिर उनको पाक किया गया है। वो शुरू से ही पाक है। सैयद आला हज़रत ज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, आपने
तो ये मुकद्दस लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकाल के बात ही ख़त्म कर दी कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि जिस तरह मस्जिद होती है तो मस्जिद की रोज़ सफाई की जाती है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता है कि वो माजला नापाक थी, मस्जिद तो होती ही पाक है। तो सिर्फ यूं कह लें कि उसको और ज्यादा निखारने के लिए वहां से चीजों को एक तरतीब से लगा दिया जाता है। अहले बैत तहार पहले से ही पाक है, तो अल्लाह ताला ने इनको मजीद पाक करने का इंदिया दे दिया है कि अब कोई इनके बारे में कोई गलत तसव्वुर रख भी नहीं सकता, बल्कि सोच ही नहीं सकता। और उस तहारत का ऐलान भी फरमा दिया है। और ऐलान भी कहाँ पे फरमाया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो मुकद्दस किताब है कि जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है लेकिन हदायत मुत्तकीन के लिए है। अच्छा, दूसरा मुकाम है कुल ला असअलकुम अलैही अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुरबा। सुभान अल्लाह। हुजूर जाने नूर अलैहि सलातो वसलाम इरशाद फरमाया कि मैंने आप लोगों को तबलीग की है और इस तबलीग में ना जाने कितने कितने मसायब और अलाम बर्दाश्त करना पड़े हैं। शेब अबी तालब का मामला है और फिर हुजूर अलैहि सलातो वसलाम की मुकद्दस नालैन मुबारक को खून से रंगीन कर दिया गया, और वो नालैन मुकद्दस कि जिसकी शबीह को हम अपने सीने पर या माथे पर लगाकर फख्र महसूस करते हैं। हसर रजा खान साहब फरमाते हैं, सर पे रखने को अगर मिल जाए नाले पाक हुजूर, फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो वो नलैन मुकद्दस जो है वो देखे खून से रंगीन हो गई और न जाने कैसे कैसे जुल्म व सितम डाए गए, लेकिन कोई अजर नहीं मांगा। तो फरमाया, हबीब आप इनको फरमा दीजिए कि मैं तुमसे किसी किस्म का अजर नहीं मांगता अपने असहाब से, सिर्फ ये है कि जो मेरी अहले बैत है ना, तो इनके साथ आपने मुवद्दत इख्तियार करनी है, यानी मोहब्बत की इंतहा को मुवद्दत कहते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सहाबा किराम ने इसके ऊपर अमल ना किया हो, बल्कि अहादीस की कुतब और तवारीख की कुतब जो है वो मोतबर, वो इस बात की शाहिद हैं कि अहले बैत तहार से जिस तरह सहाबा किराम ने मोहब्बत करके दिखाई है, इस तरह किसी और ने करके नहीं दिखाई है। और हमें इस मोहब्बत का सही अंदाज़ा भी उन्हीं हस्तियों से और इस और आज के पुरफितन दौर के अंदर वो जो मोहब्बतें हैं उसके फ़रोग की भी ज़रूरत है बेशक। अच्छा, दूसरी अहादीस, अहादीस बेशुमार हैं अहले बैत तहार की शान में। हुज़ूर अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया, मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी अहले बैत कश्तिये नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया निजात पा गया और जो रह गया वो हलाक हो गया। दूसरे मकाम पर हुजूर जाने नूर अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें दो बारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक है अल्लाह का कुरान और दूसरा है मेरा खानदान। फरमाया, जब तक इनको मजबूती से पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। तो यहाँ पर देखा जाइए कि किसी ने कुरान को पकड़ा हुआ है और अहले बैत को छोड़ा हुआ है वो भी गुमराह है, और किसी ने अहले बैत को पकड़ा हुआ है कुरान को छोड़ा वो भी गुमराह है, और जिसने इन दोनों का दामन थाम के रखा हुआ है वो निजात वाला है। ये कुरान और अहादीस है, और इसके अलावा बेशुमार अहादीस जो है इस बात की शाहिद हैं कि हुजूर ने जा बजा इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत की जाए। और फिर हुजूर अलैहि सलातो वसलाम ने, वो हमें बड़ी खूबसूरत रवायत मिलती है कि हुजूर अलैहि सलातो वसलाम के पास हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनव्वरैन सादैन सईदैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तशरीफ़ लाए, तो हुजूर अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया, इलाही मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करता है तू उनसे भी प्यार कर। इससे बड़ी सनद हमारे लिए क्या होगी? आज हम उस मुकद्दस घराने का जिक्र खैर कर रहे हैं तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपकी विलादत बासआदत, आपका इस्मे गिरामी, आपके अलकाबात, इस हवाले से भी रहनुमाई कीजिएगा कि इसमें कैसे अज़मतों के निशान मौजूद हैं। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाती हैं कि ऐलान नबुव्वत से 5 साल कबल जी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश हुई है। इसके अलावा और भी अक़वाल मौजूद हैं लेकिन इसको ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है। और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब विलादत हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए। यहाँ पर मैं एक ज़िमनन बात अर्ज़ करता चलूँ
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार हकीकी मुकद्दस शहजादियाँ हैं और आपके तीन शहजादे हैं। वो जो आपके तीन शहजादे हैं उनके नामे नाम इस्मे ग्रामी हज़रत सैयदुना कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी वजह से आपको अबुल कासिम कहा जाता है। दूसरे हज़रत सैयदुना इब्राहिम, ठीक है, और तीसरे हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और शहजादियों के नाम बिलतरतीब सैयदतुना ज़ैनब, सैयदतुना रुकैया, सैयदतुना उम्मे कल्थूम, और सबसे जो लाडली और सबसे जो छोटी शहजादी हैं सैयदा तैयबा ताहिरा करीमा अजीमा महमा साबिरा शाकिरा तैयबा मुतैयबा अतियबा मोमिना सालेहा हाफिज़ा कारिया मुहद्दिसा मुफस्सिरा आबिदा जाहिदा अज़रा सैयदतुन्निसा खैरुन्निसा खातूने जन्नत मुअज़्ज़मा उम्मुल हाद उम्मुल हसनैन, तो उम्मु सादात मखदूमा कायनात दुख्तरे मुस्तफ़ा बानुए मुर्तज़ा सरदार ख़वातीन जहाँ वाजीना। तो ये जो आपकी सबसे लाडली और सबसे छोटी मुकद्दस शहजादी है, तो अगर आपके सिर्फ अलकाबाद की तरफ ही गौर कर लिया जाए तो उसमें आपकी अजमत और शान वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। मसलन उम्मु सादात, तो इसका माना है कि सादात की असल मौला कायनात शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजल करीम की और भी औलादे हैं जो सईदा जहरा पाक के बतने मुकद्दस से नहीं है, लेकिन उनको सादात नहीं कहा जाता बल्कि उनको अलवी का लकब दिया जाता है। असल के अंदर सैयद वही होंगे जो सईदा जहरा पाक और मौला अली कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजल करीम की दोनों की औलाद में से होंगे। सईद आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी, आप बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो नजराना पेश करते हैं, सैयदा जहरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत के लाख को सलाम, और आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे। और ये देखिए यहाँ पर उस रियाज नजाबत के लाख को सलाम, मैंने कहा शेर पहले पूरा करें, आबे तत्हीर वही जो मुकद्दस पानी और जिसमें पौधे जमे वो मुकद्दस बाग हैं कि सईदा ज़हरा पाक का और दूसरा मौला अली कायनात का जी। तो उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम, वो जो नजाबत का बाग है तो उनसे जो फूल खिले हैं वो इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन और फिर हसन हुसैनी सादात, हसन हुसैनी सादात जो है वो सैयद आला हज़रत का शेर जो पहले पढ़ा है तो उसी के मुताबिक वहाँ पर आता है। और फिर देखिए कि हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया और बुखारी शरीफ की हदीस है, हजूर ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों मेरे फूल हैं और हजूर अलैहिस्सलाम इनको सूंघा भी करते थे। देखिए औलादें सब की चूमी जाती हैं लेकिन सूंघी किसी की नहीं जाती। कोई कहता है कि जी इसलिए सूंघते थे कि उनसे जन्नत की खुशबू आती थी, ठीक है ये भी बात ठीक है, लेकिन हमारा इश्क और मोहब्बत ये है कि हजूर उनसे बाजार अपनी खुशबू को सूंघा कर, हजूर को उनमें से अपनी खुशबू आती थी। अच्छा, इसी तरह आपका जो है वो एक लकब जो है वो है मखदूमा कायनात, यानी तमाम कायनात के लिए काबिल ताज़ीम। दुख्तरे मुस्तफ़ा यानी प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर। बानुए मुर्तज़ा यानी सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहु करीम की अहलिया। सरदार ख़वातीन जहां व जीना यानी तमाम दुनिया और जन्नत की औरतों की सरदार, और हजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरी ये लख्ते जिगर सैयदा ज़हरा तमाम जन्नती औरतों की सरदार। अच्छा आगे हजरत सैयदा, सैयदा के मैंने ये यानी सरदार, तैयबा यानी पाकीज़ा, ताहिरा यानी तहारत वाली, फातिमा तो जहरा यानी रोशन, और बतूल आपका एक लकब बहुत मशहूर है तो जिसका माना है कि कट जाना, यानी आपको दुनिया से इतना कोई लगाव नहीं था, दुनिया से अलग थलग रहती थी। जाकिया यानी नेक, रादिया यानी राजी रहने वाली, मर्दिया यानी पसंदीदा,
عابدہ یعنی عبادت گزار، زاہدہ یعنی دنیا سے بے رغبت، محدثہ یعنی بہت زیادہ احادیث کو یاد رکھنے والا، مبارکہ یعنی بابرکت، اور زکیہ یعنی پاک، اور ازرا یعنی پاک دامن دوشیزہ، سیدۃ النساء یعنی عورتوں کے سردار، اور خیر النساء یعنی عورتوں میں سب سے بہتر، خاتون جنت یعنی جنتی عورت، اور معظمہ یعنی عظمت والی، ام الہاد اور ام الحسنین کا معنی ہے کہ ہدایت یافتگان، یعنی جو لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں، اور وہ ہیں امام حسن اور امام حسین، ان کی والدہ ماجدہ، اور آپ بیک وقت حافظہ بھی تھیں، قاریہ بھی تھیں، معلمہ بھی تھیں، محدثہ بھی تھیں، عالمہ بھی تھیں، جی مفسرہ بھی تھیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کیوں تھیں؟ تو اس کا جواب یہ کیا کہ آخر بیٹی کس کی؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سلام صاحب، اس پہ تو جتنا بھی کلام کیا جائے، ان القابات پہ ہی تفصیلاً کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، آپ کا بچپن، بچپن کے واقعات، ذوق عبادت، بچپن میں، پھر نوجوانی میں، جیسے جیسے آپ کی عمر مبارکہ بڑھتی گئی، اور پھر آپ کی کرامات، اس کا بھی مختصراً ذکر کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو المستدرک للحاکم نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے متعلق پوچھا، تو فرمایا کانت القمری لیلۃ البدری، یعنی سیدہ چودھویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ بات تو پھر وہی آگے کہ آخر بیٹی کس کی ہے۔ سیدہ زہرا پاک کا بچپن بڑا ہی خوبصورت گزرا، اور یہ جو گھرانہ ہے نا، یہ ہے ہی مقدروں والا۔ وہ اس طرح سے ہے کہ اگر امام المسلمین، مولا المسلمین، امام المشارق والمغارب، حل المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخی رسول و زوج البطور، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو خوراک دی جاتی ہے وہ لعاب دہن مصطفیٰ دی جاتی ہے، پہلی گٹی۔ اسی طرح اگر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے تو ان کو بھی پہلی خوراک یہی دی جاتی ہے، اور کریم ابن کریم، مولا ابن مولا، سید ابن سید، حیدر ابن حیدر، تصویر مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت ہوتی ہے، ان کو بھی پہلی خوراک یہ دی جاتی ہے، اور سید الشہداء امام حمام، امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو ان کو بھی پہلی خوراک یہی دی جاتی ہے۔ یعنی کہ گویا اپنے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے چاروں کو گٹیاں دے کے یہ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم ہیں تو پانچ، لیکن زبان ہماری ایک ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو سیدہ زہرا پاک سلام السلام علیہا کو گٹی ہی حضور سے ملی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی تربیت میں تھی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، حضور کے خادم تھے، تو حضور نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ جب غلاموں پر اتنی شفقت ہے تو اپنی اولاد سے کتنی شفقت ہے۔ تو بچپن ہی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ایسی تربیت فرمائی، پردے کے احکامات نازل ہوئے، اور پردے کے احکامات سے پہلے سیدہ زہرا پاک بچپن سے جو ہے وہ پردہ کیا کہتی تھی، اور عبادت اور ریاضت میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ جو، اور پھر اگر ان کی والدہ ماجدہ کو دیکھا جائے تو کہہ لیں کہ پوری امت کی محسنہ ہے، محسنہ اسلام ہے، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، انہوں نے بھی حضور کے ساتھ وفا کی حد کر دی، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو سیدہ زہرا پاک کے بچپن کے حوالے سے جو اب ایک دردناک واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور جان نور علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے ہیں، حضور پیدائشی نبی ہیں، اور عالم روا میں انبیاء، اور حضور تو اس وقت بھی نبی تھے، نہ جب، نہ اس تھا، نہ اس تھا، نہ اب تھا، نہ کب تھا، نہ کب تھا، بالکل ٹھیک، ہمارا تو یہی ایمان۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ غار کے اندر تشریف لے کر جائے، یا غار حرا میں، تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ جو ہے اس کے صحن میں بعض اوقات نماز ادا فرماتے، تو ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھ جو لعین لوگ تھے، انہوں نے آپ کو ہر طرح کی تکلیف جو ہے وہ دینی چاہیے،
लेकिन एक दिन तो उन्होंने ऐसी घटिया हरकत की कि जिसको पढ़कर जो है वो हाथ जो है वो ज़ुबान लड़खड़ा जाती है जी, और दिल शिकस्ता हो जाता है, कि उन्होंने ऊँट की गलाजत से भरी हुई ओजड़ी जो है वो उस मुकद्दस और पाक और मुताहर और मुनव्वर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस के मुकद्दस कंधों पर जो है वो डाल दी, और उसका बोझ इतना ज़्यादा था कि आपसे उठा नहीं जाता था। तो सईदा ज़ारा पाक सलामुल अलैहा का भी बचपन था, तो जब उनको बताया गया तो वो दौड़ती हुई आई, तो उन्होंने उसको उतारा, और उतारने के बाद साथ साथ में उनके लिए दुआए ज़र्र भी की कि इलाही इन्होंने मेरे बाबा जान के साथ ऐसा किया है तो इलाही इनको इबरत का निशान बना दे। फिर अहादीस की कुतुब इस बात की गवाह है कि जिन जिन लोगों ने ये हरकत की थी ना तो उनका फिर अंजाम बहुत बुरा हुआ था। और फिर शेब अभी तालिब को ले लें कि 3 साल तक मासूर रहना और बनु हाशिम का बाइकाट कर देना और कुरैश का मिलना जुलना बंद कर देना, तो उसमें भी सब्र और कनाअत के साथ जो है और शुजात के साथ सईदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा, अगरचे कम सिन है और बच्चे जो है अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन सईदा ज़हरा पाक ने अपने वालदे मोहतरम के साथ जो आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके साथ उनका साथ भी दिया और उनके साथ सब्र और शुक्र का मुजाहरा भी किया। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये नाज़रीन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा तय्यिबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हकीकत यह है कि आपकी सीरत पाक पर गुफ्तगू करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। हम मुख्तलिफ़ जो गोशे हैं पहलू हैं उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन सामीन 9 News HD के लाइव स्टूडियो से ये रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान आप तक पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान सना खान, जनाब मोहम्मद नुमान चिश्ती गोलड़वी साहिब, आका करीम रऊफुर रहीम अलैहि सलात व तस्लीम की बारगाह नाज में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। जी जनाब मोहम्मद नुमान चिश्ती से। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। सुए बतखा लिए जाते है हवा, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। सुभान अल्लाह। और मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्का अपने कदमों से लिपट कर
मुझे मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, और तेरे चेहरे की तरफ देख रहा हूँ। जी नाज़रीन सामाईन, नाइन न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की यह स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान आप तक पहुंचाई जा रही है। बहुत खूबसूरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदह सराई। नाज़रीन सामाईन, सैयदा तय्यबा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा, आप आज की ख़वातीन इस्लाम के लिए मशाल राह हैं। आप अजीम माँ भी हैं, अजीम और मिसाली माँ भी हैं, अजीम और मिसाली बेटी भी हैं, अजीम और मिसाली बीवी भी हैं, और अजीम और मिसाली बहन भी हैं। अगरचे शहज़ादगान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों शहज़ादे जो हैं कम उम्र में विसाल पा गए, लेकिन तीनों शहज़ादियाँ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा की तीनों हमशीरगान वो हयात रहीं, और 9 हिजरी तक एक शहज़ादी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा, और इसी तरह 2 हिजरी में एक और शहज़ादी उनका भी साल है। तो ये बहनों के हवाले से भी आपका किरदार मिसाली है, बेटी के हवाले से भी किरदार मिसाली है, माँ होने के नाते भी मिसाली अजीम हैं आप, और बीवी होने के हवाले से भी। तो इन हवालों से भी आज गुफ्तगू होगी। जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीक़ुर्रहमान हसन साहिब, सैयदा तय्यबा ताहिरा, आपकी शख्सियत और सीरत और किरदार के
ये पहलू, और फिर इन्हीं में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी मोहब्बत का अंदाज़, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके साथ मोहब्बत का अंदाज़, इन गोशों के हवाले से लाजमी गुफ्तगू कीजिए, ताकि आज की हमारी मुसलमान माएँ, बहनें, बेटियाँ वो समझ सकें कि उनके लिए हकीकी रोल मॉडल क्या हैं, कौन हैं मशाल राह, कौन हैं ख़वातीन इस्लाम की हकीकी राहबर और रहनुमा, कौन हैं। मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा आपका सवाल है कि सईदा ज़हरा पाक सलामुल अलैहा की अजमत, शान और रिफत और दराजात और कमालात और करामात, ये तो कोई कमा हक़ुहु बयान कर ही नहीं सकता है। सईदा ज़हरा पाक की अजमत और शान क्या है, ये या तो अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल ही जानता है। हमें तो किताबों में से जो चंद एक चीज़ें मिली हैं, यूँ कह ले कि समंदर में से एक कतरा भी नहीं है, वो हम बयान कर रहे हैं। जी, हकीकत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस शहजादी, अगर आपको माँ के तौर पर देखा जाए तो मिसाली माँ, सुभान अल्लाह, बीवी के तौर पर देखा जाए तो मिसाली बीवी, बेशक, बहन के तौर पर देखा जाए तो मिसाली, और बेटी की तरफ बेटी की नस्बत से देखा जाए तो मिसाली बेटी, सुभान अल्लाह। और जब घर से ही बच्ची की ये तरबियत हो ना, आजकल हमारे माशरे के अंदर आप अच्छे तरीके से जानते हैं और नाज़रीन भी हमारे जानते हैं कि बेहयाई, उरियानी, फहाशी, बदकारी, ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, शर्म हया से कोसों दूर हो, कोसों दूर हैं जी। तो इन सारी चीज़ों को मुस्लिम ख़वातीन में वापस लेने के लिए अगर सबको झुकना पड़ेगा तो सईदा ज़हरा की चौखड़ पर झुकना पड़ेगा। आज दुनिया के अंदर अगर उनकी चौकट पर झुक जाएंगी तो फिर कल को उनकी क्यादत में जन्नत में जाने की तौफीक होगी। अगर सईदा ज़हरा पाक ने वहाँ खड़े खड़े पूछ लिया कि कलिमा तो मेरे बाबा का पढ़ा था लेकिन मेरी सीरत पर कितना अमल किया है, मुझे रोल मॉडल कितना बनाया, तो आज की हमारी ख़वातीन के पास उसका कोई जवाब नहीं है। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मदारिजुन नबुव्वत के अंदर नकल फरमाते हैं कि हज़रत सईदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी वालिदा माजदा हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हा बसा औक़ात घर की मस्जिद के मिंबर में रात भर नमाज में मशगूल रहती, यहाँ तक के सुबह तुलू हो जाती। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर देखिए कि सईदा बतूल जहरा सलामुल अलैहा रात भर इबादत करती थी और बच्चे उस चीज़ को देखते थे, तो जो बच्चे देखते हैं अपने वालदैन के बारे में फिर उनके अंदर भी वही ज़ौक और शौक, वही अडॉप्ट करते, वही अडॉप्ट होता है। अगर एक माँ सारे सारी रात मोबाइल पर लगी रहेगी तो फिर बच्चे भी वैसा ही करेंगे, बिल्कुल ठीक, और अगर वो फिल्में ड्रामे देखेगी तो बच्चे भी वो ही देखेंगे, बिल्कुल सही। तो जब सईदा ज़हरा पाक सारी सारी रात मुसल्ले के ऊपर रहती थी तो उसका रिजल्ट क्या निकला है कि दुश्मनों की फौज सामने है और पता भी है कि अब शहीद कर दिए जाना है लेकिन नमाज को कज़ा नहीं होने दिया, सजदे में सर, सजदे में जो है वो सर कलम किया गया। तरबियत किसकी थी? सुभान माँ की तरबियत, सुभान। अब दूसरी तरफ चलिए कि करीम इब्ने करीम मौला इब्ने मौला हज़रत इमाम हसन मुज्तबा सुभानअल्लाह अलैहि सलाम रदी अल्लाह ताला, दोनों तरह कहना जायज़ है, इसमें बहस नहीं है। तो वो फरमाते हैं और इस रवायत को ना जी बड़ा बड़ी लज्जत देती है, वो कहते हैं कि मेरी वालिदा जब भी सारी सारी रात इबादत करती तो हुजूर अलैहि सलातो सलाम की उम्मत के लिए खुसूसन दुआ करती। जी, तो कहते हैं कि एक दिन मैंने अर्ज़ किया, अम्मा जान आप सारी सारी रात इबादत भी करती हैं और नाना जान की उम्मत के लिए आप दुआएं मांगती हैं जी। तो हमने नहीं देखा कि आपने कभी हमारे लिए और अपने लिए भी कभी दुआ मांगी हो। तो सईदा ज़हरा पाक फरमाती हैं कि पड़ोसियों का हक ज़्यादा होता है, बेशक। तो जो सईदा पाक हमें अपना पड़ोसी कहें तो सईदा पाक की अजमत को बयान करना तो हमारे ऊपर ये कह लेंगे फ़र्ज़ है, उनकी अजमत को बयान किया जाए, उनकी रिफत को बयान किया जाए। जहाँ तक अगर मिसाली बीवी की बात लें जी, तो बीवी अगर नेक सीरत हो तो घर जन्नत बन जाता है, बेशक। अगर बद अखलाक हो तो जिस तरह माशरे के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तलाक तक और तलाक तक नौबत पहुँच जाती है और मर्द जो है उसके पास करोड़ों रुपया भी हो
तो वो बेसकूनी की जिंदगी गुजारता है। ठीक है, सईदा जहरा पाक सलाम अलैहा ज़ाहरी तौर पर तो घर के अंदर इतनी दौलत मौजूद नहीं थी, लफ्ज मैंने ज़ाहरी बोला, बिल्कुल ऐसा ही। वैसे तो माल के कोनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमते हैं उनके खाली हाथ में। तो ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत और शान है, और उनके जो नवासे हैं, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुश्त क्या ली हाथ में, कि उनकी अंगुश्त पकड़ी है तो दोनों जहानों का दस्तगीर बना दिया। तो जाहरी तौर पर वो मालो सबाब इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कभी भी सईदा पाक ने एक दिन भी अपनी जुबान पर शिकवा नहीं लेकर आई। हालांकि हजरत अली मुर्ज़ा शरीफ खुदा करम अल्लाह ताला वजल करीम का कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं था, मेहनत मजदूरी ही करते थे। तो मौला कायनात शरीफ खुदा खुद फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जिस वक्त सईदा जहरा पाक की रुखसती हुई ना, तो जब अंधेरा छा गया तो हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे जी। तो फरमाते हैं कि जब प्यार बड़ी गुफ्तगू हो रही थी, तो इसी के दौरान में सईदा जहरा पाक सलाम अलैहा जो है वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने पूछा है जहरा, क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि मैं तेरा शोहर हूँ? तो आगे से वो फरमाती हैं कि ए अली, मैं इससे बढ़कर और राजी कैसे हो सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसा मिसाली शोहरत आप फरमाया है, और वैसे भी मेरे बाबा जान ने मुझे फरमाया था कि दुनिया की बेहतरीन औरत को दुनिया के बेहतरीन मर्द के निकाल दे रहा हूँ। मैं रो तो इसलिए रही हूँ कि आज ये खुशियों भरी रात है, और एक रात वो भी आनी है जो कब्र वाली रात है, तो उसके लिए हमने कितनी तैयारी की। कहते इतनी बात कही और मसल्ला बिछाया और नवाफल में मशगूल हो गई। जो पहले हस्तियों का आलम है, उन हस्तियों जो है ही जन्नती नौजवानों, जन्नती औरतों की सरदार, जिनके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार, जिनके वालिद मोहतरम जन्नत के मालिक, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, उनका जब ये आलम है सुभान अल्लाह। हालांकि उनको इतनी ज्यादा इबादत रियाजत करने की जरूरत, वो बस फराइज अदा करते तो ठीक है, जो कि हर उम्मत पर फर्ज है, लेकिन वो किसके लिए था? मशले रात थी तो आज की खबर थी, बेशक कि जब हजूर की बेटी इतनी इबादत और रियाजत करती हैं तो हम, और जो हमारे यहाँ दो मौके ऐसे होते हैं कि जब हम अल्लाह ताला से बिल्कुल जो है वो लातअल्लक हो जाते, एक अगर हमारे घर में फौतगी हो जाए तो सबसे पहला जो अटैक होता है वो नमाज के ऊपर होता है, और जब हमारे घर में खुशियाँ हो, सालगिरह का मौका हो या शादी का मौका हो या कोई भी और इवेंट हो, तो सबसे पहला अटैक किसके पे होता है? नमाज पे होता है। लेकिन सईदा जहरा पाक की अजमत और शान और इस घराने का ये वस्फ है कि खुशी हो या गमी हो, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात को मद्देनजर रखा। और जहाँ तक हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का अंदाज है, वो तो कई पहलू हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात के ऊपर हम जो है वो गुफ्तगू करते हैं। उम्मुल मोमिनीन महबूबा महबूबे रब्बुल आलमीन सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा तुना आयशतु सदीका बिनते सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सदीक पाक की सदीका बेटी, वो फरमाती हैं कि चाल डाल में, उठने बैठने में और गुफ्तगू करने में सईदा जहरा हूबहू हुजूर के मुशाबे थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अदाएं उन्हीं की अपनाई जाती हैं जिनसे बंदे को मोहब्बत होती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का मोहब्बत का अंदाज क्या था? तो बेशुमार इसके मतलब रवायात हैं, यानी आज की खवातीन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर बनना चाहती जी है, जी, तो फिर सीरत फातिमा तो जहरा अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। फरमाती हैं कि जब भी हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलाम जो है ना वो तशरीफ लाते, तो सईदा जहरा पाक हुजूर के लिए खड़ी हो जाती। सुभान, ये सईदा जहरा पाक से हुजूर से मोहब्बत का अंदाज है। और इससे पहले जो है वो ये है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा आते, सईदा जहरा पाक आती, तो हुजूर उनके लिए खड़े हो जाते। तो ये खड़े होना ताजीमन एहतरामन जो है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक मोहब्बत का अंदाज, शफकत का अंदाज, तो ये है बेटी के साथ कैसे, वो ये है कि जब बेटी आए उसके लिए खड़ा हुआ जाए और उसके माथे के ऊपर भोसा दिया जाए, उसके सर के ऊपर प्यार दिया जाए, तो बेटियों के गम जो है वो आधे वैसे ही दूर हो जाते हैं। ये बाप की, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हमें बताया है कि बेटियों के साथ मोहब्बत किया करो। हुजूर के सारे फरामीन वराल वरा हैं, लेकिन हुजूर का ये कहना लोगों बेटियों से प्यार किया करो, मैं भी बेटियों वाला हूँ। और फिर हुजूर ने इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया,
तो उनकी अजमत और शान की सुभान अल्लाह। तस्बीह फातिमा जो मर्दों के लिए भी है, ख्वातीन के लिए भी है और आज के दौर की भी ज़रूरत है, मामूल भी है, इस हवाले से भी कलाम कीजिएगा। और सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपका शर्म व हया, आपकी इफ़्फ़त व इस्मत, वो जो आज ख्वातीन के लिए मशाल राह है, इस पर भी। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब, जो सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की पर्दादारी है, जिनका आँचल ना देखा महो महरम, कि जिनका आँचल जो है वो चाँद और सूरज पे सूरज ने भी नहीं देखा है, तो उनके क्या कहने। सबसे पहली जो चीज़ है आज के मुआशरे में वो ये है कि हमारी ख़वातीन को पर्दा करना चाहिए। बेशक हुज़ूर जाने नूर अलैहि सलातो वसलाम ने सैयदा ज़हरा पाक से पूछा कि ऐ मेरी लख्ते जिगर, औरत का जेवर क्या है? सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया शर्म हया। सुभान अल्लाह। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और मुर्ज़ा से पूछा कि ऐ अली, ये तो बताओ कि एक जो पाक और नेक औरत होती है उसके अंदर क्या वस्फ होना चाहिए? तो मौला कायनात ने जाकर सैयदा ज़हरा से पूछा, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि गैर मर्द किसी गैर औरत को ना देखे और गैर औरत किसी गैर मर्द को ना देखे। सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ जो पर्दे वाला मामला है ना जी, जी वो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। इसी वजह से बेबरकती है और बेहयाई है और मुआशरे का नासूर है। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि बचपन में ही बच्ची की तरबियत इस अंदाज से की जाए कि वो इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। ठीक है। तीसरा ये है कि जब बच्ची को रुख्सत किया जाए तो उसको ये कहा जाए कि बेटी घर के काम काज आपने खुद करने हैं, और उसकी मिसाल दीजिए सैयदा ज़हरा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की। सैयदा ज़हरा पाक चक्की भी खुद चलाती हैं, सुभान अल्लाह, बच्चों के लिए खाना भी खुद बनाती हैं, बच्चों को संभालती भी हैं, मौला कायनात उनके भी हुकूक का ख्याल रखती हैं, और फिर घर के जितने काम काज हैं सारे वो खुद करती हैं। तो ये हमारी औरतों के लिए एक मशाले राह है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक दिन मैं जब घर में गया तो मैंने देखा कि बच्चों का चूल्हा झूला जा रहा था, सैयदा ज़हरा पाक जो है वो चक्की चला रही थी और साथ साथ में कुरान की तिलावत कर रही थी। तो जब हमारी माओ बहनों के ज़ुबान के ऊपर दुरूद शरीफ या इस तरह के कलिमात होंगे खाना बनाते वक्त या दीगर काम करते वक्त, तो फिर खाने में लज्जत भी अलहदा तरह की होगी, बरकत होगी जी। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन आप तशरीफ़ ले गई और हाथों के ऊपर चाले पड़े हुए थे, तो अर्ज़ की कि अब्बा जान, गुलाम आए हैं किसी गजबे से जी, तो कोई गुलाम या लोंडी मुझे ता फरमा दे जी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो मुजाहिदीन है ना उनका ज़्यादा हक है जी। तुम ऐसे किया करो कि 33 मरतबा सुबहानअल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, और इसको कहते हैं तस्बीह फातिमा, और उसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। और सुबहानअल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना और अल्लाह अकबर कहना, इसको तो अलहदा अलहदा हदीस के अंदर फ़ज़ाइल बयान हुए हैं है। और फिर इनकी नस्बत सैयदा ज़हरा पाक से हो गई है, तो ये हर नमाज के बाद मर्द और औरत को इसकी तस्बीह करनी चाहिए। यकीन जाने इससे जिस्म की बीमारियाँ भी दूर होंगी और बरकत भी आ जाएगी और जिस्म की थकावट भी है। अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपके विसाल पाक के हवाले से कि विसाल कब हुआ, सन हिजरी, और फिर विसाल मुबारका, आपकी तदफीन, आपका जनाजा, इस हवाले से भी कलाम कीजिए। मुफ्ती साहब, चूँकि आज 3 रमज़ान मुबारक है और आज आपका विसाल पुर अनवार है, ये चीज़ भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है नौजवान नस्ल के लिए। ज़िमनन ये बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हुआ है, आपकी शहादत नहीं हुई है। ठीक है। यूँ कहना कि आपकी माज़ल्लाह शहीद किया गया है, तो ये आपकी शान अक़दस में माज़ल्लाह कलिमात नहीं अदा, आपका तबई विसाल हुआ है। ठीक है। वो क्या था कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली शहज़ादी खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया, अंति अव्वलु अहली लुहूकन बी, यानी मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम वफात पाकर मुझसे मिलोगी। इसको हिलियतुल औलिया व तबकातुल असफिया वालों ने नकल किया, जो सहाबियात का चैप्टर है।
دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری وصال تھا آخری ایام میں جی، تو آپ نے سیدہ زہرا پاک کو اپنے پاس بلایا، ان کے کان میں سرگوشی کی، پہلی مرتبہ کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، دوسری مرتبہ کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ سیدۃ عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ اے زہرا، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ایک راز ہے۔ تو جب حضور کا وصال پرانوار ہو گیا تو پھر انہوں نے اس راز کو فاش کیا، وہ کہنے لگی حضور نے فرمایا تھا کہ جبریل امین ہر رمضان میں میرے پاس ایک مرتبہ دور کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس مرتبہ دو مرتبہ دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے والا ہے، تو میں رونے لگی بابا جان کی جدائی کی وجہ سے، لیکن ساتھ ہی ابا جان نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری اہل بیت میں سے تم مجھے ملو گے۔ سبحان، تو یہ ساری باتیں تو پہلی جو ہیں وہ بیان کر دی تھی۔ تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جو ہیں، ان کا وصال پورا نوار 3 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد ہوا۔ ٹھیک ہے، اور حضور کے وصال کے بعد آپ جو ہے وہ ہر وقت پریشان ہی رہتی تھیں، یعنی کسی دکھ کی وجہ سے نہیں، باپ آخر باپ ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے وصال سے قبل 2 وصیتیں فرمائی، وہ سماعت فرمائیے۔ پہلی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وصیت کی جی کہ میری وفات کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں۔ ٹھیک، چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے سیدہ کائنات کی وصیت پر عمل کیا، یہ نکاح زبیر ابن عوام کے اہتمام سے ہوا۔ اور حضرت امامہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت سیدتنا زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ پہلی وصیت یہ فرمائی، اور دوسری یہ تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرے تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو جو ہماری شریعت اسلامیہ ہے کہ اسی کے مطابق آپ کو جو ہے وہ غسل دیا گیا۔ تو 3 طرح کی روایات ہیں جی، تو جو معتبر روایت ہے وہ یہی ہے کنز الامال کی جی کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور دوسرا جو ہے وہ فرمایا گیا کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی جو نماز جنازہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور اس میں 4 تکبیریں کہیں گی۔ یہ معتبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کے صدقے سے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ اور آج کی عورتوں کے لیے یہی ہے کہ سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھا جائے، بے شک، اور پڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے، بے شک۔ اپنے گھر کو جو ہے وہ اسلامی ماحول بنانا چاہیے جی، سیدہ زہرا پاک کی سیرت کے اوپر عمل کریں گے تو پھر بیٹے بھی جو ہے وہ حضرت امام حسن و حسین کی سیرت والے ہوں، بے شک، ان جیسے تو ہو ہی نہیں نا سکتے جی جی۔ اور جب لفظ آتا ہے نا شہزادہ، تو یقین جانے شہزادوں کا لفظ جچتا ہی حسنین کریم، سبحان اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی شہزادہ جچتا ہی نہیں، بے شک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت گفتگو 9 News HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ آخر میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے جناب محمد نعمان چشتی گولڑوی صاحب۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا۔
عزو جایا زارا زہے او جو شرف عزو جایا زہرا ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے سجدگاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدگاہ یا زہرا اور نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا اور بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا سیر کو تیری پناہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ناظرین سامعین آج کا یہ خوبصورت پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے نائن نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان میں یہ پروگرام پیش کیا جا رہا تھا اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان